हेलो भाई लोगा, आज बॉबी जासूस देख के आया रे। मैं इसमें विद्या रहती रे, बॉबी रहती रे, वो जासूसी करना मांगता रे उसको, लेकिन कोई काम नहीं देता रे उसको, तो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलती रे वो। हाँ, यही पिक्चर की स्टोरी है जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बॉबी जासूस देख कर आया, विद्या बालन की नई मूवी, और दिया मिर्ज़ा ने इसे प्रोड्यूस किया है। और इस फिल्म में विद्या ने हैदराबादी एसेंट बहुत अच्छा पकड़ा है। मेरे ख्याल से शबाना आज़मी के बाद किसी एक्ट्रेस ने इतने अच्छे तरीके से हैदराबादी को यूज़ किया है लैंग्वेज को, तो विद्या ने किया है। ये फिल्म मुझे 2.5 स्टार लायक लगी, 2.5 स्टार लायक लगी। फिल्म एवरेज टू अबो एवरेज है, इतनी अच्छी नहीं है। मतलब प्रेमाइस अच्छा था, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा सा फैला हुआ था, और अच्छी हो सकती थी। लेकिन विद्या की टॉप क्लास एक्टिंग है रे भाई। विद्या बालन ने फिर से प्रूव कर दिया है कि वो इस देश की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। और ये परफॉर्मेंस, मैं विद्या के लिए काफ़ी टेंशन में था कि पिछली जो फिल्में थी उनकी, घनचक्कर और शादी के साइड इफेक्ट्स, उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया निकल कर नहीं आई। तो लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है बॉबी जासूस में उनकी, आप कंपेयर कर सकते हो डर्टी पिक्चर और कहानी की एक्टिंग से। मतलब पिक्चर तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, विद्या की परफॉर्मेंस उतनी पावरफुल है इस मूवी में भी। तो फिल्म की स्टोरी जैसा मैं बता रहा था आपको, डिटेक्टिव कंपनी खुद की खोलती है। उसको शुरू शुरू में तो छोटे मोटे केस आते हैं, बाद में किरण कुमार का एक केस आता है जिसमें वो कुछ मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है उसकी। तो फिर वो कैसे इस जाल में फंसती रहती है और किरण कुमार की असलियत क्या है, ये मूवी का शेष भाग है। तो इसलिए फिल्म आपको मतलब बांध के तो रखती है, लेकिन एंड में जब मालूम पड़ता है किरण कुमार की रीज़न क्या थी इन लोगों को ढूंढने की, तो वो इतनी स्ट्राइकिंग नहीं है। थोड़ी इमोशनल है, लेकिन मज़ा नहीं आता है। तो पिक्चर में सिर्फ डिटेक्टिवनेस नहीं है, सिर्फ जासूसी नहीं है, एक इमोशनल स्टोरी भी है, ह्यूमन स्टोरी भी है। खासकर विद्या के दो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से दिखाए हैं, एक तो उनके फादर के साथ जिनके साथ उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता है, और एक अली जफर के साथ जो उनका रोमांटिक एंगल है काफ़ी नेचुरल है और काफ़ी रियल लगा वो। इस टाइप से मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है। लेकिन फिल्म में कुछ अच्छे अच्छे टैलेंटेड नेम्स वेस्ट भी हो गए, जैसे सुप्रिया पाठक हैं, बरीना जहाब हैं और तन्वी आजमी हैं। ये सब सपोर्टिंग कास्ट अच्छी थी, पर इनको कुछ रोल मिला नहीं करने को। विद्या के जो कंपेनियंस थे, दो लड़के आकाश दहिया और दूसरे जो शेट्टी थे, वो अच्छे थे, हमेशा उसको सपोर्ट करते थे। तो पिक्चर में दो गाने हैं जो कि पिक्चर जासूसी फिल्म में गानों की ज़रूरत तो होती नहीं, इसलिए कैसे भी करके उनको ठूसा गया फिल्म में। और गाने जो हैं, प्री क्लाइमेक्स में गाना आता है तू वाला जो है, वो अच्छा तो है बहुत, लेकिन स्टोरी में ज़रूरत नहीं, फिट नहीं हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा ऐसा लगा कि निकाल भी देते तो, लेकिन गाना अच्छा था। तो इस टाइप से फिल्म की स्टोरी जो है आखिरी में थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। और एक बार आप देख सकते हो इस मूवी को सिर्फ विद्या की एक्टिंग के लिए। अप्स एंड डाउन्स थोड़े से हैं मूवी स्क्रीन प्ले में, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, पर फिर भी फुल प्रूफ स्क्रीन प्ले नहीं, जैसा एक डिटेक्टिव मूवी का होना चाहिए था, एक थ्रिलर, एक थ्रिल होना चाहिए था मूवी में, वो नहीं है, वो थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन विद्या बालन की एक्टिंग फिर से मैं कहूँगा कि ताली बजा न मांगता रे माई को। और एक एक सीन बहुत अच्छा लगा इस मूवी में मुझे, जिसमें अली जाफर का और विद्या को, जब अली जाफर की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, उनका रोल तो विद्या से ऑब्वियसली छोटा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाई और काफ़ी मतलब उभर के उनकी एक्टिंग आई इमोशनल सीन्स में भी, और विद्या के बहुत अच्छे को स्टार साबित हुए वो। हाँ, तो जो एक सीन मुझे मेरा फेवरेट सीन लगा, जिसको मैं रिवाइंड करके देखना मांगता रहे मेरे को, उसमें क्या था, जब अली जफर और विद्या को पहली बार रियलाइज़ होता है कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, तो बहुत ही अच्छा रोमांटिक सीन था। और किस टाइप से उनको रियलाइज़ होता है ये बहुत अच्छे से फिल्म में दिखाया है। और मतलब इनका जो रोमांटिक ट्रैक है, आजकल हमें ऐसे रोमांटिक ट्रैक्स देखने को मिलते नहीं हैं, तो ये भी एक इनोवेटिव इनका सीन था। और तो 2.5 स्टार लायक मूवी लगी, 2.5 स्टार लायक। और डायरेक्टर समर शेख जो थे, उनका डायरेक्शन पहली मूवी के हिसाब से ठीक है, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज है। तो ये आप विद्या की एक्टिंग के लिए आप ज़रूर देखिए एक बार ये मूवी, लेकिन ज़्यादा उम्मीदों से मत देखना। और एक और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी इस मूवी मुझे, किरण कुमार की परफॉर्मेंस, वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, तो उनका भी अच्छा कमबैक लगा मुझे। बाकी ऑल इन ऑल 2.5 स्टार्स, और बिरयानी खाने का मन कर रहा है।